गंगा के सागरा महापंचायत में आप सबका स्वागत है। एबीपी गंगा पर हमारे तमाम दर्शक इस महापंचायत को लाइव देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ इस पहले सत्र में मौजूद हैं केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब। बघेल साहब आपका स्वागत है बीपी गंगा में। नमस्कार जी, रोहित जी। बघेल साहब का वैसे बहुत व्यस्त कार्यक्रम था लेकिन उस व्यस्त कार्यक्रम में भी समय निकाला बीपी गंगा के लिए, उसके लिए सबसे पहले एक बार फिर धन्यवाद भी करूंगा बघेल साहब आपका। दरअसल बघेल साहब, जब हम आगरा में कार्यक्रम कर रहे थे तो आपकी व्यस्तता चल रही थी, तो देखिए स्थिति ये हो गई है कि राजनीति में जो मकाम आपने हासिल किया तो आगरा में दो चीजें हैं, एक स्थिर है और एक अस्थिर है। अस्थिर बोलने का मतलब जो इधर उधर घूमते रहते हैं, एक ताजमहल और एक एसपी सिंह बघेल। अब आप ये सोचे बघेल साहब कि अगर आगरा और इस पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करें, इसकी सियासत जब आपके आसपास घूमती है तो चुनौती और जिम्मेदारियां भी उतनी बढ़ जाती हैं। तो इस वक्त जब से आपने केंद्र में मंत्री का कार्यभार संभाला तो उसके बाद बहुत उम्मीदें आगरा को थी, आपको क्या लगता है कि वो उम्मीदें अभी कुछ पूरी हुई और कुछ पूरी होना बाकी है? निश्चित तौर से ताज स्टैंड फॉर ब्यूटी एंड बी स्टैंड फॉर ड्यूटी। वाह क्या बात है बघेल साहब। और जो आगरा की जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं वो निश्चित तौर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिल करके और अपने निजी प्रयासों से उनको पूरा करने का हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं और सभी लोग कर रहे हैं, सभी MLA, सभी MP, MLC, राज्यसभा के MP, मेयर साहब, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। जी बघेल साहब, अभी देखिए जो सीधी बात अगर करें तो 2024 की चर्चा सब तरफ है, तो जो 2024 का जो चुनाव है उसे कितनी बड़ी आप चुनौती देखते हैं, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी 14 से सरकार में, केंद्र में, और आप लगातार सांसद हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती से देखते हैं? इस बार कोई चुनौती नहीं है। देश का छठवां हिस्सा उत्तर प्रदेश है जी। आप देख रहे होंगे कि 14 में 73 MP आए, 17 में 300 से ज़्यादा विधायक आए, 19 में सबसे कठिन रियल में गठबंधन को हम लोग फेस करके आए, समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन था, दोनों नेताओं में अपनी जात का वोट ट्रांसफर करने की क्षमता है जी। इसके बावजूद हम लोग बहुमत के साथ आए और अभी 22 में आप देख रहे होंगे कि बहुमत की सरकार बनी, तो केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाएं और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा से पसीना बहा रहे हैं जी। उससे 2024 में कमल खिलेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।